हेलो स्टैंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लर्निंग फॉर ब्राइट फ्यूचर। सो स्टैंड, इस वीडियो के अंदर हम जो हमारा क्लास 7th है उसका चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है डाटा हैंडलिंग। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है स्टैंड, और आई होप आप भी इस चैप्टर को करने में इंटरेस्ट लेंगे। सो करते हैं हमारा ये चैप्टर नंबर स्टार्ट। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ओके और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। सो लेट गेट स्टार्टेड। सो इन क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रेंज ऑफ हाइट्स। रेंज आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज अ रेंज। ओके स्टूडेंट, रेंज ऑफ हाइट ऑफ एनी 10th स्टूडेंट। सो जो हमें किसका बताना है, रेंज बतानी है किसकी, हाइट्स की। हाइट्स किसकी, बच्चों की, 10th स्टूडेंट्स की हाइट बताना ऑफ योर क्लास। देखो स्टूडेंट, इसमें आपको समझने के लिए ये नहीं है कि आपका सबका ही आंसर सेम हो, लेकिन इसमें इंडिविजुअल आप अलग अलग अपनी क्लास का लेंगे तो सबका डाटा अलग अलग मिलेगा। सपोज करो मैं जो यहाँ पे 10th स्टूडेंट ले रही हूँ, मैं अपने अकॉर्डिंग ले रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग अपनी क्लास का किसी भी 10th स्टूडेंट का ले सकते हो। ओके स्टूडेंट, सो इसके अंदर हमारा क्या होता है, हमें रेंज निकालना है। तो रेंज हमारा होता है, एक्चुअली रेंज हमारा होता है स्टूडेंट कि जो हमारा जो हाईएस्ट है उसमें से जब हम लोवेस्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो वो हमारा क्या निकल के आता है, हमारा रेंज निकल के आता है। ओके स्टूडेंट, सो ये हमारा रेंज हमें बताना है इसके अंदर। अब देखो स्टूडेंट, इसके अंदर हमारा क्या है, हाइट्स बताना है। सपोज करो जो 10th स्टूडेंट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and then 10। ओके स्टूडेंट, मैंने ये 10th स्टूडेंट यहाँ पे लिए, ये मेरा क्या है स्टूडेंट, स्टूडेंट्स है। अब सपोज करो जब मैंने फर्स्ट जो स्टूडेंट लिया था उसकी हाइट थी 120, ओके इसकी थी 125, इसकी 127, फोर्थ की 129, ये क्या है स्टूडेंट, हाइट्स। ओके स्टूडेंट, ऐसे इसकी 130 है, ऐसे जो 6th स्टूडेंट है उसकी 132 है, 7th स्टूडेंट है उसकी 134 है, 8th स्टूडेंट की 129 है। ओके स्टूडेंट, 9th की जैसे 135 है, और इसकी स्टूडेंट यहाँ पे आप ले लो 140। ओके स्टूडेंट, ये कोई भी आपने 10th स्टूडेंट है उसका हाइट आपने ले लिया, यहाँ पे 129 दो का भी हो सकता है, यदि आप यहाँ पे 139 भी ले सकते हो। ओके स्टूडेंट, सो स्टूडेंट ये मेरे पास 10th स्टूडेंट है और मैंने इसकी हाइट इनकी ये ली है। अब हमें फाइंड आउट करना है रेंज। रेंज मैंने क्या बताया स्टूडेंट, जो हाईएस्ट है, हाईएस्ट कितना है अपना इसके अंदर, देखो हमारा हाईएस्ट है 140, तो हाईएस्ट कितना है स्टूडेंट, हाईएस्ट इज इक्वल टू 140 एंड लोवेस्ट इज, लोवेस्ट सबसे कम कौन सा स्टूडेंट, 120। सो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, 120। ओके स्टूडेंट, सो रेंज हमारा क्या निकल के आया है, 140 में से जब हम 120 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये जो 20 जो आया है मेरा, ये हमारा इसका क्या है आंसर, और ये क्या है इसका रेंज। ओके स्टूडेंट, ये आप अपने अकॉर्डिंग, आपके जो आप कोई भी 10th स्टूडेंट, आपको जरूरी नहीं आप 120 सेंटीमीटर लो, आप इसकी जगह जो आपका है 121 कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, लेट मी सी अवर क्वेश्चन नंबर 2। सो स्टूडेंट इन क्वेश्चन नंबर 2, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन अ क्लास असेसमेंट इन ए टेबुलर फॉर्म। आपको स्टूडेंट पता होना चाहिए, टेबुलर फॉर्म वो होती है जिसको हम टेबल के फॉर्म में लिखते हैं, वो होती है हमारी टेबुलर फॉर्म। हमें फॉलोइंग मार्क्स हमें गिवन है, क्लास में जो असेसमेंट हुआ था, जो इवेल्युएशन हुआ था, उसमें डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स आपको दिया हुआ है, उनको टेबुलर फॉर्म के अंदर ऑर्गेनाइज करना है और हमें जो फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं इनके आंसर देने हैं। सो स्टूडेंट, सबसे पहले जो हम टेबल बनाते हैं, टेबुलर मींस जो टेबल होता है, वो मैं आपको यहाँ पे बना देती हूँ। सो स्टूडेंट इसके अंदर हमारी तीन चीजें आती है। सो स्टूडेंट तीन चीजें हमारी कौन सी आती है स्टूडेंट, इसके अंदर सबसे पहले हमारे आते हैं मार्क्स, कितने मार्क्स हमने ऑब्जर्वेशन में लिए हैं।
सेकेंड थिंग है यहाँ पे टैली मार्क्स। टैली मार्क्स क्या होते हैं? जो हम लाइन में डिनोट करते हैं, जिनको लाइंस के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? टैली मार्क्स। इसमें आपको एक चीज याद रखना, आपने सिक्स स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा स्टूडेंट, 1, 2, 3, 4, ये हमारी 4 है, इसका टैली मार्क हमारा 4 हो जाएगा। ये अदरवाइज मैंने को 5 लिखना है तो हम इसको डायगनली काट देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ऐसे 5 5 करके आप बना सकते हो। नेक्स्ट वन है हमारा इसमें फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी वो होता है स्टूडेंट, जितना ज्यादा नंबर ऑब्जर्वेशन के अंदर कौन सा नंबर ज्यादा आया है। ओके स्टूडेंट, लेट मी सी अवर टेबल। सो स्टूडेंट देखो, हम यहाँ पे मार्क्स देख रहे हैं 4, 6, 7, 5, 3, 5, 4, 5, 2, 6, 2, 5, 1, 9, 6। सबसे हमारा जो 1 से शुरू हो रहा है और हमारा हाईएस्ट कितना है? 9 है। 9 तक आप मार्क्स ले सकते हो असिस्टेंट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। आपको ये मार्क्स, क्योंकि ये मार्क्स आपको डिफरेंट डिफरेंट दिए हुए हैं। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, अब हमें टैली मार्क्स लगाने हैं इनके। टैली मार्क्स हम स्टूडेंट कैसे लगाते हैं? देखो, 1 है तो 1 का टैली मार्क 1, 2 है तो 2, 3 का 3, 4 है तो 4, 5 आ गया तो मैंने क्या कहा था इसको डायगनली 5। अब 6 बनाना है तो आपका 5 तो ये हो जाएगा और 1 इसके साथ लगाएंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 6 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट, अब हमारा क्या है? 7 है। सो स्टूडेंट हमें क्या करना है? टैली मार्क्स, सॉरी स्टूडेंट यहाँ पे टैली मार्क हमें मार्क्स का नहीं करना, हमें जो फ्रीक्वेंसी निकालनी है उसका टैली मार्क करना है। तो आपका ये आप पहले फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए, फिर उसके बाद हम ये करेंगे। सो स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी मैंने बोला, जैसे 1 है, 1 कितनी बार आया हुआ है यहाँ पे? 1 बार ही आया हुआ है, तो इसका टैली मार्क क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 1 हो जाएगा। अब देखो 2 है, 2 हमारा कितना टाइम्स आया हुआ है? यहां से देखो 2 एक बार आया, यहाँ पे 2 बार आया, तो 2 टाइम्स आया है, तो इसलिए इसका टैली मार्क्स 2 हो जाएगा। अब देखो 3 कितने बार आया है? 1 बार ही आया है, तो यहाँ पे इसका टैली मार्क ये ना होके ये आ जाएगा 1। ओके स्टूडेंट, तो ये क्या आ जाएगा? 3 कितने टाइम आया? 1 बार, सॉरी स्टूडेंट यहाँ पे 1 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये 1 बार आया। अब हमें क्या देखना है? 4 कितने टाइम्स आया? 1, 2, 3 टाइम्स आया है हमारा 4, तो कितने बार आया है? 3 टाइम्स, ये सॉरी 1 है, यहाँ पे आपको 3 टाइम्स लिखना है, तो आपका टैली मार्क 3 ऐसे लाइन खींचेंगे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखो हमारा क्या है, 4 आ गया, 5 देखना है। 5 देखो 1, 2, 3, 4, 4 टाइम्स है हमारा 5, तो 4 टाइम्स आपको यहाँ पे लिखना है और इसका टैली मार्क हो जाएगा स्टूडेंट 1, 2, 3 एंड 4। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट देखो, 4 के बाद आपका क्या है? 5 आ गया, अभी आपको 6 देखना है। 6 देखो 1, 2, 3, 4, 4 टाइम्स आपका क्या है? 6 है। 1, 2, 3, 4। ओके स्टूडेंट, सो ये कितना है? हेलो, सो स्टूडेंट ये हमारा 5 टाइम्स था, देखो हमने ये वाला काउंट नहीं किया, तो 5 टाइम्स था, तो इसका ये टैली मार्क आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब हमें 6 देखना है, ये थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे आप। 6 देखना है, 6 कितना है स्टूडेंट? 1, 2, 3 और 4, कितने टाइम्स है? 6 हमारा, आप ऐसे कर लेना, 6 हमारा कितना है? 4 टाइम्स है, तो 1, 2, 3 एंड 4। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखो स्टूडेंट, जो हमारा 7 है वो कितने टाइम है? 7 देखो 1, 2 टाइम्स है, 7 हमारा कितने टाइम्स है स्टूडेंट? 2 टाइम्स, तो 2 का टैली मार्क क्या होता है स्टूडेंट? 1 और 2। अब हमें 8 देखना स्टूडेंट, 8 हमारा कितना है? इसमें नहीं है 8, 8 हमारा कितने टाइम्स है स्टूडेंट? 1 टाइम। ओके स्टूडेंट, तो इसका क्या आ जाएगा? 1। 9 देखो स्टूडेंट, 9 भी हमारा 1 टाइम है, सो स्टूडेंट 1 इसका टैली मार्क हो जाएगा।
सो स्टूडेंट ये आपको काउंट कर लेना है, पहले आपको फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है, आफ्टर देन आप टैली मार्क को पुट करेंगे। ओके स्टूडेंट, सो स्टूडेंट ये हमारा क्या आ गया, टेबुलर फॉर्म आ गई, मीन्स ये हमारी टेबल आ गई। अब स्टूडेंट हमें इन क्वेश्चन का आंसर देना है। सो स्टूडेंट इसके अंदर विच नंबर इज द हाइएस्ट, कौन सा नंबर है स्टूडेंट वो हमें बताना है। तो हाइएस्ट नंबर है जो फर्स्ट वाला, इसमें हाइएस्ट नंबर कितना है 9, तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा 9। ओके हाइएस्ट नंबर क्या है 9, हाइएस्ट नंबर इज 9। ओके स्टूडेंट अब देखो सेकंड, देखो स्टूडेंट विच नंबर इज द लोवेस्ट, लोवेस्ट कौन सा है स्टूडेंट इसके अंदर, लोवेस्ट हमारा है 1, सो लोवेस्ट नंबर इज, नंबर इज क्या है 1, और ये क्या था 9। ओके स्टूडेंट अब देखो स्टूडेंट थर्ड वन क्या है, व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा। अब देखो स्टूडेंट रेंज मैंने क्या बताई थी, थर्ड का जो आंसर है उसका क्या होगा, रेंज क्या बताई थी, हाइएस्ट माइनस लोवेस्ट। सो स्टूडेंट हाइएस्ट कितना है मेरा 9, लोवेस्ट कितना है 1, तो रेंज क्या निकल के आ गई 8। ओके ये था थर्ड पार्ट, लेट मी सी योर फोर्थ पार्ट, फाइंड द अर्थमेटिक मीन, मीन भी कह सकते हो आप अर्थमेटिक मीन्स। देखो स्टूडेंट इसमें आपको एक चीज देखना है, जो अर्थमेटिक मीन्स होता है, अर्थमेटिक मीन उसको कैसे निकालते हैं स्टूडेंट। देखो जो हमें जितना भी ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है ना, उनको सबको कर लेंगे टोटल, अपॉन में हम क्या करते हैं नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ठीक है, कहने का मतलब देखो स्टूडेंट, यदि आप फर्स्ट सेकंड और थ्री ऐसे है आपका, तो आपका ऑब्जर्वेंस टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेंस कितना होगा, इन सबको कर देंगे हम टोटल। ओके स्टूडेंट और ये क्या है हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेंस, ये सम हो जाएगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेंस, और नीचे क्या आ जाएगा हमारा नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेंस, तो कितना है 1, 2, 3, तो इसको कर देंगे हम 3 से डिवाइड। सो स्टूडेंट देखो अर्थमेटिक मीन आपको याद रखना है, ये क्या होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेंस, ऑब्जर्वेशंस जो भी है, और नीचे क्या आएगा हमारा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ओके स्टूडेंट तो सम कितना है, देखो सारा स्टूडेंट आप इसको यहीं से आप इन सबको कर लेंगे ऐड, 4 + 6 + 7 + 5 + 3 + 5 + 4 इन सबको करोगे। सो स्टूडेंट ये मेरा कितना है 6 और 4 10 17 17 और 22 25 30 35 39 41 47 49 50 55 और ये 70 75 और 75 के बाद 8 आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 83 और 87 और 1300, तो इन सब का टोटल कितना आया स्टूडेंट हमारा निकल के आया, जब हम इसका टोटल करेंगे तो हमारा आया 100। अभी टोटल कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना स्टूडेंट हमारा 20, सो इसको कर देंगे डिवाइड 2 1 और 2 5, जो हमारा अर्थमेटिक मीन्स जो मीन हमारा निकल के आया स्टूडेंट वो हमारा आएगा 5। आपको यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया होगा, मैं फिर से बता देती हूँ, इसके अंदर आपको मार्क्स लिखने हैं कहाँ से लेकर कहाँ तक है, फिर आपको फ्रीक्वेंसी निकाल ली है। फ्रीक्वेंसी वो होती है कि जितने नंबर जितने टाइम आए हैं। ओके स्टूडेंट वो हमारी क्या होती है फ्रीक्वेंसी, आफ्टर देन आप टैली मार्क यहाँ पे करोगे। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। सो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।